आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है। बात करें निकाय चुनाव की तो अब निकाय चुनाव सर पर है और भावी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपना दावा मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में नगर के इस संग्राम की कवरेज के लिए प्राइम टीवी की टीम राजधानी लखनऊ के इस्माइलगंज वार्ड संख्या 1 में पहुंची और वार्ड के विकास कार्यों का जायजा लिया। चुनाव का मौसम शुरू हो गया है, कुछ ही दिनों में निकाय चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएंगे। निकाय चुनाव की कवरेज के लिए प्राइम टीवी की टीम इस समय राजधानी लखनऊ के इस्माइलगंज वार्ड में है। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ के विकास की कहानी क्या है। आइए जानते हैं यहाँ इस्माइलगंज वार्ड के पानी गाँव के विकास की कहानी इनकी खुद की जनता की जुबानी। क्या नाम है सर आपका? जी दिलीप कुमार। ये बताइए, इसे डेंगू से पूरा प्रदेश जो है ग्रसित है, लखनऊ का पौश इलाके, ग्रामीणों की बात ही छोड़ दीजिए, पौश इलाके में डेंगू का कहर जबरदस्त है, तो आपके इलाकों में डेंगू से बचाव के लिए क्या क्या नगर निगम की टीम द्वारा छिड़काव किए गए हैं या फिर फॉगिंग वगैरह की व्यवस्था कराई गई है? अरे कभी कदार जो है धुआं वुआ आते हैं, दूसरे चौथे दिन कभी हफ्ते में 15 दिन बाद आ जाते हैं, दिखाई देते हैं कि हाँ आए हैं, जब से फिर नज़र नहीं आते हैं कभी। अच्छा ये बताइए कितने दिन पहले जो उन्होंने आना शुरू किया है यहाँ पे? अभी करीब हमको लग रहा है 10 दिन पहले आए हैं ना। हाँ 10-15 दिन पहले। 10-15 दिन उसके पहले कभी आए थे? उसके पहले भी आए हैं, गाड़ी वाड़ी वो आती है, डीसीएम वाले जाते हैं, डाला नहीं आता है, डाला आता है वहाँ तक जाता है, कोने तक, इधर ये पूरा निकल जाता है, वही धुएं वाली गाड़ी है। अच्छा बताइए, मैं तो नहीं होता है, घर घर पे जाके ये सब होता है कि नहीं? घर घर नहीं, खाली बस यहाँ से अंदर वहाँ तक जाएगी, जहाँ तक जा पाएगी वहाँ तक जाएगी, फिर इधर जाएगी, इधर जाके फिर इधर निकल जाएगी, फिर इधर चलेगी, गली गली में जहाँ जा पाएगी गाड़ी वहीं तक जाती है। यानी इसके अलावा और कोई फॉगिंग की मतलब? और तो कोई नहीं, नियमित छिड़काव और फॉगिंग नहीं हो रही है? नहीं ऐसी नहीं हो रही, जैसे कि नाली में दवाई लोग डालते हैं वो कुछ नहीं डाल रहे हैं, कुछ नहीं डाल रहे हैं, एंटी लार्वा छिड़काव नहीं हो रहा? नहीं कुछ नहीं हो रहा, बस वही फॉगिंग हुई है, एंटी लार्वा छिड़काव नहीं हो रहा। हाँ बस आप ये कहना चाहते? हाँ यही हुआ है। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि नगर निगम की टीम कूड़ा उड़ा उठाने आती है, कूड़ा की व्यवस्था कैसी है आपके, साफ सफाई व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? यहाँ पर तो जो कूड़ा जो गाड़ी आती है तो वो जिससे पैसा लेते हैं उसी को गाड़ी उठाते हैं, वो उठाते नहीं है, और अगर कूड़ा भी कोई भूल से डालता है गाड़ी में तो हम मना करते हैं कि आप कूड़ा इसमें मत डालिए। जैसे अभी इन्होंने बताया कि एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं हुआ है, नालियों में छिड़काव दवाइयाँ नहीं हुई है, तो कितनी सच्चाई है इनकी बातों में? बात में सच्चाई बहुत बढ़िया है, सही कह रहे हैं कि वो 10-15 दिन पहले डाला था, उसके बाद यार कोई नहीं डाला इस दिन, और कोई नहीं आता भी नहीं ज़्यादा। अच्छा ये इलाका बताइए, यहाँ पे डेंगू के संक्रमित है? जी हाँ डेंगू बहुत है, जो है यहाँ पे टाइफाइड है, बहुत चीज़ें चल रही हैं, टाइफाइड है, डेंगू है, ये बहुत चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। यहाँ के पार्षद कौन है? पार्षद यहाँ के ये सभासद मुकेश हैं। ये बताइए जब 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 आप लोग नगर टीम की टीमें जो आती हैं, आप लोग अपनी शिकायत जो रखते हैं जी जी द्वारा, तो क्या निस्तारण होता है वहाँ से? जब फोन करो तुरंत करवा, जब उनसे शिकायत किया जाता है तो भेजते हैं, मगर समय देने के बाद भेजते हैं, मौके पर नहीं भेजते हैं जी। हाँ नियमित रूप से नहीं होता? हाँ नियमित रूप से नहीं। हाँ। अच्छा ये बताइए नालियों की व्यवस्था यहाँ? यहाँ पे नालियाँ टूटी टाटी है, सब भरा रहता पानी। और क्या क्या समस्या है इस वार्ड की जनता की जो आपको पता है, आपकी और क्या क्या समस्याएं हैं जिसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है? यहाँ पर जो है व्यवस्था तो टाइट तो है नहीं कि, और टाइट होने के बाद जो है कभी कदार आते हैं और उनको अगर कहा भी जाता है तो भेजते हैं, मगर बहुत लेट में भेजते हैं, मगर मौके पे नहीं भेजते हैं, मौके पे नहीं भेजते। जी हाँ, और बाकी यहाँ टाइम ना कोई छिड़काव होता है ना कुछ होता है, अगर उनको छिड़काव के लिए बोला या भी जाता है तो पार्षद तो कहता ठीक है हम करवा देंगे, तो और सफाई वफाई तो हो जाती है दूसरे तीसरे दिन, मतलब मेन जगह पे हो जाती है, अंदर भी नहीं हो पाती है, यानी अंदर गंदगी पड़ी हुई है, अंदर गंदगी पड़ी रहती है, यानी कि जो बाहरी जगह है जी जी सफाई थोड़ी बहुत होती है लेकिन अंदर कोई नहीं जाता, अंदर पड़ी रहती है, और उनको बोलो कि अंदर सफाई करो तो कहते हैं कि मतलब हम सफाई कर देंगे, दो तीन दो चार दिन टल जाता है तब उसके बाद उठाते हैं।
डेंगू से पूरा प्रदेश जो है त्रस्त है, लखनऊ के कई हाँ त्रस्त है ही है। तो ये बताइए कि यहाँ पे रोज छिड़काव के लिए मशीनें आती हैं? कुछ नहीं, हमको लगता है पूरे सीजन में दो बार ऐसा साइकिल तो एक बार घूम गया, एक बार वो छोटी वाली गाड़ी तो घूम गया, आया नहीं महीने ना पूरे सीजन में दो बार 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 दो बार यहाँ भी लोग डेंगू के मरीज थे। अरे हम लोग रात दिन यहाँ रहते तो हमको पता नहीं रहता यहाँ, तो जो है सच्चाई यही है। यहाँ सवा सब देखने तक नहीं आ, देखो ये सब नाली पूरी पड़ी है तो खुला दिखाई दे रहा है, तो जिस जंगल खड़े अगल बगल तो आता होता तो सब अगल बगल तो पता लगा कि कोई साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पे कैसी है? नगर निगम गाड़ी आती है कूड़ा उठाने के लिए? इस गली में तो नहीं आती है। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? नगर निगम गाड़ियाँ कूड़ा उठाने के लिए आती हैं? इस गली में नहीं आती है, इस गली में ही आती है। कभी कभी हफ्ता में एक बार झाड़ू मारने आ जाते हैं, बस वो अगल बगल में चाय पी जाते हैं, बस काम खत्म। अच्छा ये बताइए नालियों की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? सीवर की व्यवस्था कैसी है इस इलाके? सीवर ये उबाल मारता है, ये जब पानी बरसता है सब उबाल मारता है, वहाँ सब मलबा जमा हो जाता है। आप लोगों ने इसकी शिकायत की तो क्या कहा लोगों ने? शिकायत करने वाला यहाँ कोई है ही नहीं, सुनने वाला किसे शिकायत? कोई आपकी शिकायत, आप लोग की शिकायत कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पे? नहीं तो किससे करें शिकायत? और क्या समस्याएं आप लोग को आ रही हैं? यही है कि साफ सफाई, अब ये 12-13 साल है उसे पड़ा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि स्टिच को दिखाया जाए। हाँ बिल्कुल दिखाओ, तो सभी लोग कहेंगे, घर घर कहेंगे, पानी भर जाता। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये खराब सड़क का निर्माण है, टूटी फूटी सड़कें हुए हैं, 12-13 साल से हम इधर काफी सालों से जो है ये सड़कें टूटी फूटी हैं, जिसकी मरम्मत नहीं कराई जा रही है। सभासद यहाँ दिखाई तक नहीं देता है, सभासद आते नहीं है ना, ये सब अपने आप किसी तरह कोटे से दूसरे से बनवाए, संजय त्रिवेदी और कोई नहीं बनवाए। और कौन सी समस्याएं इस वार्ड के लोगों की है? अब अगल अगल मोहल्ले में तमाम समस्या, पानी का तो यहाँ भरा हमेशा रहता है, यही है। ये आप बता रहे कि ये नाली है, कहाँ खुली है? देखो भरी तो है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि जो नाली है इस ये ब्लॉक नाली को दिखाया जाए कि इस नाली को ब्लॉक कर दिया गया है। ये नाली बनाई गई थी ताकि जल जमाव ना हो, पानी यहाँ से बह जाए, लेकिन इस पूरी नाली को जो है इसकी स्थिति देखिए, पूरी नाली ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से इस इलाके में जल जमाव की व्यवस्था हो जाती है। अब ये बताइए यहाँ पे फॉगिंग नियमित हो रही है, एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा है डेंगू के लिए? नहीं हो रहा है, नहीं उधर हमारी गली पत्थर नहीं, आपके लिए तक नहीं होता है। लोग बता रहे थे कि बाहर तक जो है छिड़काव होता है कभी कभी, लेकिन अंदर तो कभी आती नहीं, ऐसी बात लोग बता रहे हैं। अंदर तक नहीं आती है, अंदर तक नहीं आती है, कोई छिड़काव वगैरह नहीं होता है। नगर निगम से साफ सफाई की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, पार्षद जी कुछ करते हैं? वो दयाल से पीछे ही चले जाते हैं, रोड तक बाहरते हैं खाली, बस रोड तक बाहरते हैं, अंदर नहीं। अच्छा, और ये बताइए यहाँ पे साफ सफाई की और क्या समस्याएं हैं इस वार्ड की, जो आप हमारे टीवी के माध्यम से बता सकते हैं, और क्या क्या समस्याएं हैं इस वार्ड की? नाली के लिए कहे थे, नाली भी नहीं बनी हुई और छिड़काव भी नहीं होता है। बस नाली के लिए आपने किससे शिकायत की थी? सभासद से कई बार कह चुके, क्या बताया उन्होंने, क्या कहा? कि बन जाएगी बस। अच्छा, आश्वासन दे रहे हैं? कितने दिन से आश्वासन दे रहे हैं सभासद? अरे तो 3-4 दफा कह चुके उनसे, जय जय बड़ी तरह आते हैं, बस आश्वासन दे के निकल जाते हैं। और कोई समस्या इस वार्ड की जो आप बताना चाहेंगे, और क्या समस्या ये वार्ड झेल रहा है? जैसे आपने बताया कि यहाँ पे एंटी लार्वा छिड़काव नहीं हो रहा है, फॉगिंग मशीनें गली तक अंदर तक नहीं आती हैं, फॉगिंग नहीं हो पाती है, नालियों की समस्या आपने बताई, जल जमाव की समस्या आपने बताई, और क्या समस्याएं इस वार्ड की? बस इतना ही, जब इतना बता दिए तो इतना ही नहीं काम हो पा रहा है, इतना तो आगे क्या होगा ये है। सीवर उवर की भी समस्या है इस वार्ड में, जल जमाव की समस्या है? सीवर तो चल रहा है, सीवर तो कुछ ज्वाइंट नहीं कराया अभी। तो ये था इस्माइलगंज के वार्ड संख्या 1 का हाल, जो हमने आपको कवरेज के दौरान दिखाया कि कैसे वहाँ पे एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं हो रहा है, फॉगिंग की मशीनें नहीं आ रही हैं,
डेंगू से ग्रसित इलाकों में अंदर गलियों तक ना ही लारवा का छिड़काव हो रहा है, ना ही फॉगिंग मशीनें आ रही हैं और नालियों की स्थिति हमने आपको इस तरह से दिखाई। मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। नगर संग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।